Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Pabhum Bande Nitha Nanda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charno Dayam Gopi Jano Samayuktam Binda Banam Manohar Pancha kalpataru vascha kipasindu vivacha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah Mukam karoti vachalam pangum langhaitigiram Yat kipatam ahangavande paramananda madhavam Vrindavai tulsidevvai piyavai kesavasacha Krishna Bhakti Pade Devi Satya Vattvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Deyam Sada Parivavagna Mavishtadoham Tethas Padam Siva Virenchinatam Saranyam Bhitatiham Panatopal Bhavadipotam Bande Mahapurusate Charuna Aravindam Yad Pad Pallavanaka Chandamani Chattai Vispurji Tokema Pikavodu Shadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mohikada Kipam Karushi Sri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Siyadvaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Pavunitananda Siyadvaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanuka bodhatu, Sankitanai kapitaru kamala yataksha, Vishambaru dijavaru jugadharma palo, Bande Yagat Priya Karu Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Vandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupe Nasada Naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamanango madapuharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagi sajusho badane Lakshmir yasacha vakshasi yasyasthi de sambit
त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सामिग्रह श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जितः अनवाप्त समं पूर्वे जेन संतः प्रतस्थिरे। सामृग्यः श्रेयसाम हेतुः पन्थः संतापवर्जितः अनवाप्त समं पूर्वे जेन संतः प्रतस्थिरे। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगतगुरु प्रभुपाद जी ने बताएं, महामाया का कारागार से एक बद्ध जीव को निकालकर भगवत चरण में पहुंचा देने का जो व्यवस्था, नित्य सेवा में पहुंचाने का जो व्यवस्था, इसके इससे बढ़कर परोपकार क्या हो सकता। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी जगतगुरु जी ने बताए, महामाया का कारागार से एक बद्ध जीव को बचाकर निकालकर नित्य भगवत धाम में पहुंचा देना, नित्य सेवा में पहुंचा देना, इससे बढ़कर परोपकार क्या हो सकता। जीवों का जो नित्य स्वरूप है, ये स्वरूप में जीवों को प्रतिष्ठित कर देना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। बद्ध जीवों का अंदर में छुपा हुआ जो नित्य स्वरूप है, कृष्ण दासत्व जीवे स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, ये अपना स्वरूप जो छुपा हुआ है, इसको निकालकर समाधान कर बद्ध जीवों को अपना स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देना, कितना बड़ा परोपकार है, ये आम आदमी सोच भी नहीं सकता। कितना बड़ा ये परोपकार है, ये बद्ध जीव समाज का जो जीव है, ये सोच भी नहीं सकता कितना बड़ा परोपकार है। चैतन्य चैतामित में लिखा हुआ है, अक्सर चर्चा होते रहता है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली होइया से बीज करे रोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन, उपजिया बरेला बरेल उपजिया बारे लता ब्रह्मांड भेदी जाए तदुपरी गोलोक वैकुंठ भाई तदुपरी गोलोक वृंदावन पाए। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बोलने में बहुत आसान है, अनुभव करके अगर समझाए, अनुभव अगर हो जाए तो इसमें कितना बड़ा। ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कभी कोई बद्ध जीव का भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद में के द्वारा गुरु वैष्णव के साथ देखो भेंट हो गया, उसका बाद कृपा मिल गया धीरे धीरे, और भक्ति लता बीज मिला, और श्रवण कीर्तन जल करे सेचन, हर वक्त श्रवण कीर्तन माली होइया से बीज करे रोपण। श्रवण कीर्तन जल साधन भक्ति के द्वारा साधन भक्ति के द्वारा धीरे धीरे ये बीज का ख्याल रखता है, उसके बाद भक्ति लता कृपार निकल गया, उसके बाद प्रोटेक्शन देना चाहिए, अपराध आदि
कोई भी समस्या आके ये बीज को दबा दे तो और अंकुरोद्गम होना संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता का जो सुंदर अनोखा उपदेश है, ये एवरग्रीन ह्यूमन साइंस मानव विज्ञान इतना सुंदर है विचार विज्ञान भित्तिक, अगर ये समझा जाए तो सारे समस्या समाधान। काल चर्चा हो रहा था हमारा, जो व्यक्ति कर्मफल को त्याग करके नित्य तृप्त निराश्रय होके कोई भी कुछ कर्म करता है उसका लिए वो फल भागी फल का भागीदार नहीं होते। त्यक्त्वा कर्म फलो त्यक्त्वा कर्म फला संयम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। ये बात काल चर्चा हुआ। कर्म का जो हर कर्म का एक फल मिलता है, हर कर्म का एक फल तो मिलेगा, जो कर्म जैसा करने कर्म का फल, इससे कोई रिहा नहीं है। अवश्यमेव वक्तव्य कृतकर्मम स्वभाषभम। और रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयात बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरने न तत्ते परब्ध कर्मेति विरोति भेद। जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि ब्रह्म में निष्ठा प्राप्त हुआ, जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयात बिना न भोगई भोग का निवृत्ति नहीं होने से कभी भी होगा नहीं, वो चलेगा, इसका कोई समाधान नहीं। और जब शुद्ध नाम जिह्वा में उदित हो जाते तब तो कहने ही क्या। एक शुद्ध नाम अगर जिह्वा में उदित हो जाए तो जत ब्रह्म साक्षात किति निष्ठयापि बिना समय अति बिना हो अपैति नामक स्पुरणे न तथ्य। तत्व का हिसाब से अगर शुद्ध नाम वास्तव नाम उदित हो जाए तो सारे समस्या समाधान। यहां दूसरा श्लोक पे चर्चा हुआ था जे निराशीर जतो चित्वात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन नापनोति किल्वेशम। निराशी माने निराशीर माने निष्काम, जतो चित्वात्मा संयत चित्त संयतेन्द्रिय, त्यक्तो सर्व परिग्रह किसी से कुछ आशा नहीं रखता, दान उपहार आदि पर सब परित्याग कर दिया, और ऐसा मापी कोई व्यक्ति केवलम शरीरम कर्म कुर्वन शरीर यात्रा का कर्म करते हुए भी केवल मात्र शरीर के द्वारा शरीरम कर्म कुर्वन केवलम शरीरम कर्म कुर्वन केवल मात्र शरीर के द्वारा कर्मों करते हुए भी किलविषम पाप अर्थात बंधन न अपनति, किसी भी हालत से इसका बंधन होने का कोई चांस ही है नहीं, क्योंकि जो कंडीशन दिया गया पहला बात तो ये है निष्काम है। जतो चित्वात्मा संयत इंद्रिय त्यक्त सर्व परिग्रह, ये रेयर बात है, किसी से कोई आशा नहीं करता, दान दक्षिणा उपहार कुछ नहीं, ऐसा मापी कोई अगर है तो केवल शरीरम कर्म कुर्वन केवल मात्र शरीर के द्वारा कर्म करके भी किल विषम पाप नापनोति, क्योंकि उसका अंदर आसक्ति नहीं है,
आसक्ति बंधन का कारण है। तो इसका लिए कोई पाप का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। केवलम शरीरम कर्म ये बोलने से सीधा साईंपाद जी ने बताया शरीरो मात्रो निवृत्तम कर्तृत्वाभिनिवेश रहितम कर्म, कर्तृत्व अभिमान रहित कर्म आ शरीर मात्रो, शरीर तो प्रकृति का है, शरीर तो हमारा नहीं है, शरीर तो प्रकृति का है तो इसका अंदर में कोई अभिमान ही नहीं है, अभिनिवेश नहीं है, कर्तृत्व अभिमान कुछ नहीं है, ऐसा माने किया है सीधा सीधा संहिपात केवलम शरीरम कर्म कुर्वन ऐसा। इसका बात बताया ये भी जदृच्छा लाभ संतुष्टो दंदातीत विमत्सरः समहो सिद्धो असिद्धौश्च कृत्वा उपि न निबद्धते। जदृच्छा लाभ संतुष्ट, जैसे जैसे ठाकुर की इच्छा अजाचित बिना मांगे, बिना मांगे कुछ आ गया ठीक है, जदृच्छा लाभ संतुष्ट बिना मांगे को आ गया, जदृच्छा लाभ संतुष्ट अजाचित लाभ होने से संतुष्ट रहता है, दंदातीत मतलब शीत उष्ण मान अपमान का अतीत पड़े हो जाना, दंदातीत शीत उष्ण आदि द्वंद सहित आदि आदि मतलब मान अपमान आदि सारे इसका ऊपर हो जाना, बाहर चले दंदातीत विमत श्रवण किसी का तरक्की हुआ, किसी का उन्नति, ये उन्नति के द्वारा किसी का अंदर में कि जलन पैदा होता है। इसका माने ये है दूसरों का जो उन्नति उत्कर्ष सहन अक्षम विश्वनाथ चक्रवर्ती, दूसरों का उन्नति देख के ये सहन अक्षम ये जलता है, विमत्सर विमत्स विशेष मत्सर मत्सर तो इधर विमत्सर माने इधर विगत मत्सर मत्सर जो वर्जित हो असिद्ध असिद्ध हो सिद्ध असिद्ध कृत्वापि न निबद्धते, सिद्धि असिद्धि में राग इसका कोई आता जाता नहीं, सिद्धि असिद्धि तुल्य ज्ञान करता है क्योंकि इसका लाभ लोस्कन का हिसाब नहीं है, बिल्कुल वो तो ऐसा स्थिति में है कि सिद्धि होने से भी कोई आनंद से उछल पर ऐसा नहीं, असिद्धि होने से रोने बैठ जाए ऐसा ही नहीं, तुल्य ज्ञान जो हुआ होगा ऐसा मापी कोई आदमी है तो वो तमाम कर्म करते हुए भी कर्म फलों के द्वारा आबद्ध नहीं होते हो पाते। कर्म करके भी वो कर्म फल से कर्म फल के द्वारा आबद्ध नहीं होते, बस मुक्त रहता है। गत संगस्व मुक्तस्व ज्ञानावस्थित चेतसः जग्गाय आचरतः कर्मो समग्रम प्रबिलीयते। दूसरा श्लोक में बताया गत संगस्य, गत संगस्य माने संग किसका होता है, जैसे कपिल जी महाराज अपना मैया देवाहुति को बताया था संगो संसितेर हेतु असस्व विहितो धिया स एव सदसुकृतः निस्संगताय कल्पते। संगो जो संसित हेतु, तमाम ये संसार का जो हेतु है रूट कॉज है ये क्या है, इसका पीछे
रहस्य क्या है? संगो जो संसितर हेतु हो, ये संगो ही है, ये संगो संसार का हेतु बन के रह जाता है। संगो ही संसार का हेतु है। निसंगताय कल्पते, मैंने कोई संगो से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है, कोई संग से, विमुक्त पुरुष। संगो जो संसिद्ध हेतु, मतलब संगो संसार का कारण है। क्यों कारण है? श्रील सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर कई जगह ऐसे बताएं, संगो संगो ये जो तमाम जगत है ये बिना संग रह नहीं सकता। मानो समाजबद्ध जीव, ये कभी बिना संग रह नहीं सकता, कैसे रहे? आदमी तो ऐसे ही है ना, तमाम मानव जाति संगों के बिना कैसे रह जाते? अगर संग के बिना है तो जरूर पागल है कुछ है, और नहीं तो एकदम ऊंचा किस्म का, बहुत ऊंचा उसका अवस्था। कपिल जी महाराज ऐसा ही देवावती जी को मैया को बताए, संगो ही संसार का हेतु है। संग संगो जो संसित हेतु असत्सु भी तो दिया, असत व्यक्ति का संग संग हो जाए, यही अगर वास्तव साधु का संग साथ संग हो जाए तो हो गया पूरा। संग हो जो संग से देतु अस्वस्थ विहित हो दिया स एव साधु सुकृत मोक्ष निस्संगताय कल्पते, ऐसा बोलता है भक्तिमय ठाकुर आर्टिकल में लिखे हैं। जब मानुष मानव जाति समाजबद्ध जीव है, बिना संग रह नहीं सकता, और बद्ध अवस्था में जिसका भी जैसा भी संग करो, ये संग का असर तो आपका ऊपर आएगा ही। बद्ध अवस्था में जैसे प्रभुपाद जी को गौरकिशोर जी बाबाजी महाराज ने कहा, अमार प्रभु अपनी कोलकाता ब्रह्मांड जावेन ना, ऐ कोलिर ब्रह्मांड जावेन ना, आप कली का ब्रह्मांड में मत जाओ, आप किसी का संग मत करो। किसी का संग मत करो, प्रभुपाद जी को बताए। क्या प्रभुपाद जी किसी का संग करता है? क्या गौरकिशोर बाबा किसी का संग करता है? भक्ति में ठाकुर हाँ संग करता है, तो नित्य जगत का जो है भगवान का पास उन लोगों का संग करता है। संग तो है ही नहीं लोग, क्योंकि बिल्कुल एक्सक्लूसिव भाव सिर्फ सेवा में लगे हुए। ये लोगों का संग कहां से हो? क्योंकि बद्ध जीव है, बद्ध जीवों का सामने कोई भी आ जाए उसका रंग चढ़ जाएगा हमारा ऊपर। ये संग जब उपदेशामृत चर्चा हो, बड़ी सुंदर विचार है कैसे कैसे संग हो जाता है, बिना मांगे संग हो जाता है। अरे हम चाहता नहीं, कैसे हो गया, अनजाने में संग हो गया किसी का, ऐसा होते रहते। प्रभुपाद जी ने बताए, अमार गुरुपाद पद्म, हमारा गुरुपाद पद्म परमहंस आचार्य, परमहंस आचार्य बाबा जी महाराज जितना ऊंचा संग मेरे को दिया है, ये इतना ऊंचा संग प्राप्ति करने के बाद और ऐसा छोटा मोटा संग करने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं है मेरा। बाबा जी महाराज का संग इट्सेल्फ कंप्लीट, क्योंकि कृष्ण देने वाला, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हारे शक्ति आची। जो महात्मा कृष्ण दे सकता है, कृष्ण प्रेम तत्व ज्ञान सारे, उसको छोड़ के अगर दुनियादारी का संग करने जाए तो क्या हो सकता। पापा जी ने बताए, हम कभी भी श्रील बाबा जी महाराज, परमहंस बाबा जी महाराज, हमारा गुरुपाद पद्म जैसा उच्चा संग दिया है,
वो संग प्राप्ति करने के बाद मेरा इच्छा में इच्छा ही नहीं बचा किसी का संग करूं। तो सोच लो क्या साधु संगो इस तो बोलने में अच्छा लगता है, तोता पाकी का माफी साधु संगो सर्वशास्त्र कह लव मात्र साधु सर्वसिद्धि है, कृष्ण प्रेम तक प्राप्त कर साधु संग का इतना पावर है। बहवो मत पदम प्राप्त त्रष्टो कया धवादयो विश्वपर्वा बलिर्वान मयश्च अध विभीषण। ये जो श्लोक है बहुत सुंदर, भगवान खुद कह रहे अरे ये लोग तो ना गुरु जी के पास गया कुछ नहीं गया, भी सत्संग ऐसा सत्संग का इतना बड़ा सर है तो बस सत्संग्यात माम उपागतः सत्संग के द्वारा मेरा पास आ गया, इतना तगड़ा है सत्संग बाप रे बाप पूछो मत। लेकिन साधु संगेर प्रणाली विचार भक्ति में ठाकुर कौन पढ़ता है कौन पागल समय ही नहीं है, है? अंग्रेजी में पब्लिश होने जा रहा है, बांग्ला तो 15-16 साल पहले ही पब्लिश कर दिया हमने अनबद्ध लेखनी भक्ति में ठाकुर का बांग्ला, हिंदी में हुआ कोई अगर करे कोई बंदा तो ठीक है सब कोई को पता चले, सब तो साधु संघ का नाम पे उल्टा रास्ता भी जा रहा है। अरे साधु संघ अगर हुआ तो कुछ तरक्की नहीं कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, इनेविटेबल साधु संघ इनेविटेबल अबर्थ फॉल। ऐसा नारद जी का भक्ति सूत्रों में हमने बताया ना एकदम अवधारित फल इनेविटेबल। और भक्तिविनोद ठाकुर सत्संगेर प्रणाली विचार लिखा, इसका बाद साधु जनो संगो त्यागी वैष्णव दिगेर आचरण चरित्र निर्मल होना जरूरी है तमाम लिखा। कौन पढ़ने जाता, पढ़ने से पोल पट्टी खोल जाए, पढ़ने जाए तो आदमी समझ जाए कि हम कैसा स्थिति में है, पोल पट्टी खुल जाए, इससे अच्छा है कि ये सब नहीं देखना दरिश्वे। देखो मैगजीन में सब आलतू फालतू सब किसका किसका आर्टिकल सब निकाल रहा है। गुरुवर्ग का जो वाणी है इतना है कि तमाम वाणी प्रकाश करते रहे तो हमको फुर्सत नहीं मिलेगा, इतना आलतू फालतू आदमी का आर्टिकल निकाल के क्या फायदा, जगह अनुभव नहीं है कुछ नहीं। हाँ आप भी लिखो, आप भी लिखो, हाँ पागल कहीं का कहां से आया। वेदांत समिति का जो आर्टिकल जो मैगजीन आज तक भी निकल रहा है थोड़ा स्टैंडर्ड है, ए बी बावन गोस्वामी महाराज की कृपा है, केशव गोस्वामी महाराज कोई देखता ही नहीं। सो ऐसा है कि संग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देवावती मैया को कपिल जी महाराज कह रहे हैं संगो जो संसिद्ध संगो है संसार का हेतु, संसार का बंधन का हेतु संग है। संग मतलब त्रिगुण का संग, किसी का संग होने का माने क्या है, उसका अंदर तो त्रिगुण है उसी का ही तो संग हुआ और क्या हुआ। किसी का संग हो गया मेरा इसका मतलब क्या, शरीर प्रकृति का है त्रिगुण प्रकृति का है वह संग हो गया, प्रकृति या तो त्रिगुण का संग हो गया। और संगों से कोई रिहा नहीं है, कोई अगर ऐसा करे हमारा संग से कैसे बचे, क्योंकि भंडारा होते रहते हैं, हम भी ददाती प्रतिगिन्नाती पृच्छति गुज्जमा ये तो चलते रहता है, इसका भी विचार बताया जाएगा बाद में। भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बार एक एक शब्दों में बता दी जो आसक्ति ही संग का कारण है। हम प्रसाद वितरण किए इसमें ददाती प्रतिगिन्नाती ये आता नहीं है, कोई वैष्णव को खिला दिया वो बात अलग है, लेकिन जनरल मैस को पूरा प्रसाद देना शुरू कर दिया इसमें तो अटैचमेंट है नहीं। आसक्ति संग का मूल हेतु है, अगर आसक्ति वर्जित है तो समाज संसार में रह के भी कोई संगो से बच के रहे,
कोई असुविधा नहीं। भक्ति में ठाकुर ये उदाहरण भी दिए हैं जप धर्म में और दूसरा जगह भी भजन रहस्य में भी, जस्यो यत् संगति ही पुंसो मणिवत् सात तत्कुनः, ऐसा जसो जत संगति ही पुंसो मणिवत सात सौ तदगुना। इसका तात्पर्य यह है कोई मणि है, एक मणि से कोई रंग निकल रहा है बहुत सुंदर, सूर्यकांत मणि समझो कि कुछ समझो, वैदुर्य मणि हूं और नीला, नीला जानते हो लीला, नीला पत्थर ज्वेल, किसी भी स्पोटिक जैसा सरफेस पे ले चलो तो इसका जो कलर है लगेगा कि उससे निकल आ रहा है। स्फटिक का अंदर में लीला पीला, लीला पीला कुछ कलर नहीं है, लेकिन जब मणि को सामने ले जाओ मानो ऐसा लगे कि मानो उससे यही कलर विच्छोरण हो रहा है, निकला है। यशो यद संगति ही पुंसो मणिवत सत तद गुण, जैसा अजमिल का हुआ, अजमिल कुछ नहीं किया, इतना अच्छा इंसान है, अजमिल का क्या भूत पकड़ा, भले ऐसा ही तो बात है, तमाम आदमी का सब आदमी अच्छा है, खराब कौन है, लेकिन ये गुण जो है काम ईशो क्रोध ईशो रजो गुणो समुद्भव महासन महापापना विद्धिनम एनम वीर वैरिनम, ये शत्रु है, ये तो शत्रु है। और क्या कौन शत्रु, अजामिल का क्या हुआ था, अजामिल इतना अच्छा है, बुजुर्गों को बहुत प्यार करते थे, पिता माता सबको लिए, सबका लिए प्यार है, रेस्पेक्ट है, श्रद्धा है, और बिना अर्चन खाते भी नहीं थे सालग्राम आदि, क्या हो गया, भले मां इसका अंदर में गुरु कृपा नहीं था, गुरु कृपा का कमी, चित बल का कमी, तो ये जो ऐसा दृश्य देखा विशा का, देखने का बाद उसका संग हो गया, आसक्ति हो गया, आसक्ति नहीं होने से संगों का कोई मतलब ही नहीं, आसक्ति नहीं होने से संगों का कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा महात्मा लोग जो है पूरा क्या देश विदेश में पुचार किया, कुछ नहीं संग हुआ, बन महाराज से लेकर सब, जिसका सामने जो आ जाता है अगर उसका अचित्त जो है उसमें उसका असर पड़ता है, इसको ही संग बोलता है, जसो यत संगति ही पुंसो मणिवत सत तद गुण, ऐसा। लेकिन हमको सावधानी से रहना है, अर्थात त्रिगुण का प्रभाव से बाहर रहना है, त्रिगुण का प्रभाव का अंदर रहे तो किसी भी हालत से उसका हमारा कोई रिहा नहीं है, ये चलते चलेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। तो ये जो गतो संगस्व मुक्तस्व ज्ञानावस्थित चेतसः जग्गायाचरतः कर्म समक्कं प्रविलीयते, जिसका गतो संगस्व माने फलाशक्ति वर्जित हो गया, मुक्त संगस्व संग मतलब हम बता दिया राग देश आदि बंधन विमुक्त, इसका मतलब तात्पर्य ये है त्रिगुण के इन्फ्लुएंस का बाहर, त्रिगुणों का जब प्रभाव है, राग देशादि बंधन विमुक्त मतलब क्या है, राग देश कहाँ से आए, त्रिगुण का तो प्रभाव है, तो बेसिकली जो है मुक्त संगम मतलब कपिल जी महाराज माता जी को कहे संगो जो संस्कृत हेतु असत्व भी, जब भी ये संग असत व्यक्ति के साथ असत वस्तु के साथ हो गया तो ये बंधन के कारण, क्योंकि आसक्ति है, संगो मन आसक्ति भक्ति में ठग जी मानता है, ये संगो अगर साधु गुरु वैष्णव के साथ किया जाए तो बस मोक्षदारम अपावृतम, साधु संतों का साथ अगर वास्तव संग हो गया, अगर हमारा संग हो गया परम विजय केशव गोस्वामी महाराज से,
शीतल गोस्वामी महाराज से बावन गोस्वामी महाराज से तो कौन हमको रुकेगा, क्योंकि हमारा जहर जगत जगत का किसी का भी संग प्राप्त करने का कोई इच्छा ही बचा नहीं, किसी का संग अच्छा नहीं था। चाहे दो चार महीना छह महीना हमको लॉक करके रख दो एक जगह, बस पानी थोड़ा दाना पानी थोड़ा, देखने का भी इच्छा नहीं, बोलेगा भाई नहीं तो दरवाजा खोल थोड़ा, नहीं क्या करें दरवाजा खोल के। तो राग देशादि बंधन विमुक्त हो, कपिल जी महाराज कह रहे थे जे असत व्यक्ति का अगर संग हुआ तो ये बंधन का कारण बन जाता। ऐसे ही संग अगर संगो जो संस्कृत रहे तो अस्वस्थ भी सौ एव साधु, ऐसा ही संग अगर साधु संग हो, साधु का संग हो जाए, सत्संग हो जाए तो कहने ही क्या है, सत्संग से बढ़कर कुछ है ही नहीं, सत्संग से बढ़कर कुछ है ही नहीं, इतना बड़ा पावरफुल है। तो ये जो गोतो संग स मुक्त स्व ज्ञानावस्थित चेत सह जगायाचरत कर्म समग्र प्रविलियते ऐसा ज्ञान अवस्थित चेतस, मतलब ज्ञान अवस्थित चेतस, ज्ञान अवस्थित चेतस मतलब है जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित, आत्मविषयक ज्ञान। तो आत्मविषयक अगर ज्ञान है तो ये तो कर्म का जो फल है उसको जला के खाक कर दे, पहले श्लोकों में चर्चा की। जो ज्ञान अवस्थित चेतस जो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित है, आत्मविषयक ज्ञान में, ये कुछ भी करे, करने का बात कि उसका क्या होता है, यज्ञायो कर्म आचरत, यज्ञार्थो कर्मानुष्ठानकारी व्यक्ति समग्रम कर्म प्रबिलियते विनष्ट, इसका कोई कर्म वास्ता नहीं, कुछ कर्म फल। यज्ञार्थो कर्मानुष्ठानकारी, यज्ञ का अर्थ बहुत बहुत विचार करना चाहिए, यज्ञ किसको बोलता है। अक्सर आम आदमी का ये गलत फहमी है, यज्ञ मतलब महाराज आग जला के हवन करो, हाँ ये तो यज्ञ है ही है, लेकिन यज्ञ का अर्थ है ईश्वर पित्वार्थे, ईश्वर आराधनार्थे कर्म मात्र ही, कोई भी कर्म हो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है हमारा तो अभी सबसे बड़ा ऊंचा यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, महाप्रभु का दिखा हुआ यज्ञों का जो स्वरूप है, यज्ञों का जो अर्थ है, एक एक समय एक एक रूप से प्रकाशित हो पाए। वास्तविक यज्ञों का अर्थ है सेक्रीफाइस, वास्तव विचार किया जाए तो यज्ञ मतलब हम कुछ चढ़ाए, ये विश्व यज्ञ चल रहा है, ये जो जगत चक्र चल रहा है, हैं महायज्ञ ये चल रहा है, इसमें मेरा कुछ सहयोग रहे, अनुदान रहे, और ये यज्ञ तो चलती है, बृहत रूप देखो तो तमाम दुनिया से यज्ञ ही तो चल रहा है और क्या, तमाम दुनिया भड़के यज्ञ चल रहा है और क्या, जाने अनजाने में सब पागल का माफिक। ईश्वर पित्वार्थो कर्म मात्र ही यज्ञ हो जाता है। वेदों में प्रिस्क्राइब जो यज्ञवादि सब है वो भी निष्काम भाव से लोक रक्षणार्थ ईश्वरार्पण बुद्धि में, बुद्धि के द्वारा जो कर्म हो जाता है, कर्म किसी ने करता है वो यज्ञ तो जरूर है। वस्तुतः कर्मयोगी का कर्म मात्र मात्र ही यज्ञ स्वरूप, कर्मयोगी का कर्म मात्र कुछ भी करो, कर्मयोगी अगर है कर्मार्पण करता है ठाकुर जी के चरण, वस्तुतः कर्मयोगी का कर्म मात्र ही यज्ञ स्वरूप। ऐसा मापी कर्मो अगर अकर्म, ऐसा मापी कर्मो अकर्म स्वरूप, अर्थात ये कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, सब कर्म किया लेकिन इसका कोई अभिमानी नहीं, फल नहीं मांगते कुछ, ऐसा मापिक जो कर्म है ये अकर्म का ही स्वरूप बन गया,
काल चर्चा किया था, किसी भी हालत से यह बंधन का कारण नहीं बनेगी, बंधन मिलने का कोई चांस ही नहीं है। योग्य शब्दों का बहुत सारे वैदिक शास्त्रों का विचार करो, देखो योग्य अर्थ एक सामान्य अर्थ नहीं। वैदिक क्रिया कर्मों में वैदिक मंत्रों का दो हिस्सा था। आप तो ये सब उल्टा पलटा हो गया आज जो है, किसी का पता ही नहीं, सब उल्टा हो गया पूरा। वैदिक क्रिया कर्म का जो अनुष्ठान होता हुआ करता था पहले, ये वैदिक कर्मों खंड का दो हिस्सा है। ये मंत्रों का दो हिस्सा, एक है बाह्यिक अनुष्ठानिक और एक आभ्यंतरिक आध्यात्मिक विषय है। आभ्यंतरिक जो है गुप्त विषय है, इसका बारे में आम आदमी को कोई जानकारी है नहीं, वो जानने का कोशिश भी नहीं करता। तो एक बाह्य अनुष्ठान है अनुष्ठानिक दिख, और एक आभ्यंतरिक आभ्यंतरीन दिख आध्यात्मिक विषय। कोई भी यज्ञ करो, भक्तिमय ठाकुर बागे आगे चलकर बताएंगे, सबसे बढ़कर जो ये है, कोई भी कुछ किया उसमें कोई स्पिरिचुअल मोटिव नहीं है, कुछ भी स्पिरिचुअल तरक्की नहीं, इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, वो कैसा यज्ञ है। तो दो हिस्सा है ये समझना चाहिए, और बहुत सारे बातें हैं उसका उसको लेकर सब तमाम आदमी उल्टा सीधा व्याख्या करते रहते हैं। जैसे सोमरस, वो बोले दारू पी गया देवरस, अरे दारू देवता लोग कैसे दारू पी, तत् पागल, ये तमगुनी है, अरे देवता लोग तो सतगुनी है। सोमरस ये अमृत के बराबर, अमृत नहीं है, जो भगवान श्री कृष्ण अमृत बताए ये नहीं, लेकिन अमृत मतलब जान देने वाला, बहुत पावर देने वाला अमृत, सोमरस। ऐसा कोई सुवासित रस होगा, हमने तो खाया नहीं, देखा ही नहीं, तो कैसे समझे। और अमर बन जाने का मतलब ये नहीं कि ये शरीर से रह जाओ, अमर बनने का मतलब है ये भूमा पुरुष का साथ जोड़ जाए, अतः आनंदमय पुरुष का साथ जोड़ जाए। ऐसे तो भक्ति अमृत स्वरूप है, यहाँ साधारण अर्थ लगा रहे हैं। भक्ति सबसे बड़ा, सब भक्ति योगी जो है, जो भक्ति लेके व्यस्त है, ये हमारा गौड़ीय समाज का, इनके लिए तो भक्ति अमृत सा अमृत स्वरूप है। अमृत तो यही है, भगवान श्री कृष्ण खुल्ला में खुल्ला बता दिए दसम स्कंद में, मई भक्ति ही भूतानम अमृतत्वाय पल, ये तो है ही है। वास्तव अमृत तो वही है जो पान करने बाद मौत बोल के कुछ चीज रह नहीं जाता। जैसे परीक्षित महाराज जी, परीक्षित महाराज जी को जो हरि कथा बोलने का, भागवत कथा बोलने का पहले श्रील सुख परमहंस सुखदेव जी महाराज ने बताए, राजन आप मारे जाओगे जल्दी, इसका बारे में सोचते रहो, भूलना नहीं, आप मरोगे, आप मरोगे, आप मरोगे, आप मरोगे, चिंता करते रहो, आप मरोगे अनुक्षण, आप मर जाओगे, ये सोचते रहो। क्यों बोले, इसमें अटेंशन बढ़ेगा, जिसका फांसी का ऑर्डर हो गया, उसको अगर पूछा जाए क्या छना का रसा खाए कि परमान्न खाए, क्या खाए, वृद्ध भाग, कल सुबह में मरना है, 5 बजे लटकाया जाएगा, हम सब फांसी में फंदा में चढ़ा हुआ है, कब गला घोंट जाए कुछ ठीक नहीं, फिर भी मजा ले रहा है, अरे बाप रे बाप। जिसका फांसी का ऑर्डर हो गया वो क्या बोलेगा, हमको ये चाहिए वो चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, जिन्होंने पता कर लिया ये शरीर छूटना ही है, किसी भी हालत शरीर छूटना ही है, तो उसका अटेंशन थोड़ा
उसका अटेंशन एकदम गाढ़ा हो जाएगा, कंसेंट्रेटेड अट्रैक्शन, हमको तो मरना है, इस विषय पर कंसेंट्रेशन। और मरना जब है, मरने का पहले कुछ रास्ता तो ढूंढना है, और ढूंढने के लिए कहाँ जाए, और शास्त्रों का विचार अगर सामने है तो शास्त्रों का विचार कि साधु गुरु वैष्णव से सुना तो समाधान हो सकता है। अमरत्व बोल के वास्तविक चीज जो है भक्ति, लेकिन ये जो स्वर्ग का अमृत मिलता है ना स्वर्ग में, ये जो सुर असुर का सागर मंथन वाला बात है, उसमें जो अमृत निकाले ये अमृत भी कम नहीं है। ये अमृत जो है इसके द्वारा व्याधि क्लाम शरीर का बुढ़ापा कुछ नहीं आए, बस आराम से रहो, आदि व्याधि कुछ नहीं, सोमरस, ये सोमरस अमृत है। ये भी ऐसा माफी कुछ चीज हो, लेकिन स्वर्गों में जो अमृत है जो सागर मंथन करके उखाने से तमाम शरीर का व्यवस्था मन का पूरा पूरा बदल जाता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये कल्प आयु पर्यंत जो है वो है, देवता का जितना आयु उतना। लेकिन भक्ति रूपी जो अमृत है ये वास्तव अमृत आत्मा का साथ रह जाता है। तो जो भी है ये अमरत्व जो भाव है, अमरत्व का भाव, जैसे परीक्षित महाराज जी, परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी बताए, राजन तम तू मरीषे इति अचिंत्य, राजन आप मर जाओगे ये चिंता करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं तो लगन चला जाएगा दूसरा चीजों में, कंसेंट्रेशन आ जाएगा, आपको मरना ही है। और जब भागवत कथा खत्म भये, 18,000 श्लोक का व्याख्या खत्म भये, उसका बाद चलते चलते बोल के गए, राजन तम तुम मरीष्य आप मरे जाओगे, पशु बुद्धि मेमम जही, ऐसा मापिक पशु बुद्धि को, ऐसा मापिक पशुओं का मापिक बुद्धि, ऐसा मापिक पशु बुद्धि को फेंक दो, इमम जही, जही मतलब काट से फेंक दो, राजन तम तुम मरीष्य पशु बुद्धि मेमम जही, अभी इसको काट के फेंको। मतलब क्या है, भगवत कथा सुनने का बाद मरने का कोई सवाल ही है नहीं, क्योंकि मरे कौन, आत्मा तो मरे नहीं, ये आत्मा का जो अपना अनुभूति है अमरत्व, जो हमारा साथ नित्य आनंद अनंत देव का संबंध है, हम मरने वाला नहीं है, हमारा शरीर छूट जाए तो ठीक है, ये अमरत्व जो है ऐसा कंसेप्शन है, ऐसे ही कंसेप्शन है। और सारे क्रियाक्रम ऐसा है वैदिक विचार के द्वारा बहुत सारे आता है, जैसे समझो कि किसी को पिता माता और बड़े बूढ़े, किसी को धान है, धान जिससे चाल निकलता है, ये धान और दुर्वा माने जो दुर्वा घास है जमीन में पैदा होता मैदान में, ये आशीर्वाद का समय में अक्सर आप देखे होंगे ये धान और दुर्वा, ये जरूरी है, उसके बाद चंदन फंदन तो उसका बात है, लेकिन ये धान और दुर्वा देकर आशीर्वाद करता है, धान और दुर्वा सर पे देकर पिता माता और सब आशीर्वाद करता है। और अगर कोई पूछे तो धान दुर्वा देके क्या है, बेकार, क्यों ये सर पे दे दिया हैं? ये प्राचीन आर्य समाज में है, ये धान जो है, धान गोमाता, ये धन का प्रतीक, और दुर्वा जो है इसका आयु इतना तगड़ा है, किसी भी आलस से मार के पिट के खत्म कर दो फिर भी वहां से फिर निकाले, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने त्रिनाद विश्वनि चलो तिनका से भी नीचा भाव। ये दुर्वा का, दुर्वा और ये जो धान दे के आशीर्वाद करने का जो व्यवस्था, इसमें अगर आशीर्वाद करने वाले का बुद्धि बिगड़ गया कुछ नहीं है,
ऐसे धान और दुर्वा दे दिया, वो समझ में नहीं है क्या, तो ये आशीर्वाद का क्या फल है वो जानते ही नहीं क्या। धान और दुर्वा मस्तक में देकर पिता माता और बड़े बूढ़े लोग आशीर्वाद करने का मतलब है तुम्हारा तुम्हारा भाग्य तुम्हारा सौभाग्य हो जाए और तुम चिरायुष चिरायुष्मति भव चिरायुष्मान भव चिरायुष्मति भव, ऐसा चिरो मतलब दीर्घकाल, चिरो मतलब पर्मानेंट नहीं, चिरायुष्मान भव ऐसा बोल सकता। दुर्वा का मृत्यु नहीं, दुर्वा ग्रास का तिनका उरी बाप रे बाप, धन दौलत में विद्या बुद्धि में आगे बढ़ो, ऐसा आशीर्वाद। आशीर्वाद करने का समय में अगर कोई इसका पता ही नहीं है कैसे क्या कर रहा है, तो प्राणहीन अर्थहीन, कोई भी अर्थहीन बेमतलब कोई अनुष्ठान करे उसका क्या मतलब है। बड़ा अनुष्ठान कर दिया, भंडारा है, चलो गुरुजी का उत्साह है, उसको पता ही नहीं, सारा भंडारा कर दिया, एनर्जी दे दिया, इतना पैसा कलेक्शन किया, माथा पीछे किया, भक्ति कुछ नहीं निकाला। अगले अगले आएंगे, अगले श्लोक में विचार करके दिखाए कुछ, व्हाट इज द नेट आउटकम। कुछ भी करो, गुरुजी से आश्रय लिए हो, कीर्तन करते हो, हरिकथा सुनते हो, माला फेरते हो, एकादशी मनाते हो, अरे महाराज आउटकम क्या है, व्हाट इज द आउटकम। कुछ तरक्की तो दिखाओ, क्या तरक्की है, जहां के तहां पड़ा और तो नीचे चला गया, जहां के तहां वो तो फिर भी अच्छा है और नीचे चला गया, भी मतलब कोई समझे नहीं। कोई भी अनुष्ठान करो, क्या हरि कथा का अपना प्रतिष्ठा के लिए मत करो, पैसा को खराब मत करो, दूसरे से जो पैसा लेते हो, पैसा लेने के बाद हमारा फर्ज बनता है वो जो दो पैसा इन्हें दिया है कैसे ये पैसा को उसका मंगल के लिए लगाए। तुरंत किसी ने फल दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, तुरंत जा भक्ति विनोद ठाकुर में दे दे और गौ माता को खिला दे, गौ माता को खिला दे, भक्ति विनोद ठाकुर दे दे और बाकी पड़ोसी अड़ोसी के प्रसाद दे दे। विचार बनाना है जो ये जो देखे गया इसका मंगल कैसे हो, ये तो देखे गया, वो तो मांगेगा पैसा बढ़े हमारा व्यापार, ये तो मांगेगा हमारा, उसका तो वास्तविक मंगल कैसे हो, ऐसा विचार होनी चाहिए। कोई भी अनुष्ठान करे, वो स्पिरिचुअल अनुष्ठान हो, तो इसका बाद आउटकम क्या है, नतीजा क्या है, हमारा प्रॉफिट क्या हुआ। जब भी बोलो हम महाराज अभी तो बोला अभी प्रॉफिट एंड लॉस का बात हो, ठीक है ये जागतिक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, भक्ति हुआ कि नहीं, ये तो पारमार्थिक चीज है, इसमें तो कोई दोष नहीं लगता, हमारा भक्ति हुआ कि नहीं, हम गुरु सेवा किया, हम वैष्णव सेवा, हम भंडारा किया, हरि कथा का व्यवस्था किया, अरे उसका बाद हमारा दिल में कुछ ठहरा कि नहीं, कुछ हुआ तरक्की नहीं हुआ, तो फिर क्या फायदा इतना माथा पीछे कर। बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, जो निस्संग रहता है, जैसे श्री बावन गुस्से महाराज में कहते थे, हमको याद है, पर बीच बीच में ऐसा सब बातें कहते थे तो मस्तक घूम जाए, भले हम इतना हल्ला गुल्ला में रहते हुए भी निस्संग रहता हूं, ये कैसा बात है, हम इतना हल्ला गुल्ला में रहते हुए भी हर वक्त निस्संग रहता, मतलब इसका कोई गुणजात तो संग नहीं है, अप्राकृत संग तो करते रहते, कैसा ऊंचा बात है, देखो कितना विचार वाला बात है, वरी पाप। संगो अगर हो गया छोटा मोटा संगो तो ये तो मुश्किल के कारण, वास्तविक विचार किया जाए, सही ढंग से विचार करो, सूक्ष्म रूप से योग्य मात्र कोई भी योग्य है, खूब फाइन विचार करो, सूक्ष्म विचार करो, इसमें टैग ओरिएंटेड है, आपको छोड़ना पड़ेगा, अर्थात भगवत भावना लेके तमाम चीजों को छोड़ना, इसमें आशा नहीं रखना, यही तो योग्य का मूल है। योग्य मूलम ही विष्णु,
तो इसमें देखो निजोग्य है, भूत योग्य है, ये सब क्या है, त्यागी तो है, निजोग्य क्या, तमाम गरीबों को खिला दिया ठीक से, फिर निजोग्य भूत योग्य किया, ऐसा तो पंछियों को खिला दिया, बंदरों को खिला दिया, भूत योग्य। प्राचीन काल में यज्ञ ईश्वर का आराधना का एक प्रधान अंग था, आप जानते होंगे, कलौ तत् हरिकीर्तनात्। कलयुग में कई युग किसी भी यज्ञ चलेगा नहीं, कलयुग में किसी भी यज्ञ चलेगा नहीं, बस एक यज्ञ है, ये नाम यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। कलयुग केवल नाम आधारा, स्मर स्मर जीव उतर ही पार, बस एक ही नाम यज्ञ बचा है। और भगवान गीता में भी बताएंगे, यज्ञ में अपना विभूति बताने के समय में, तो यज्ञ तो पहले हुआ करता था बहुत तगड़ा, अभी तो यज्ञ भगव सब, इसमें तो कोई प्योर चीज नहीं मिलता, घी भी नहीं है, सब चर्बी है, तो कुछ भी करने जाओ मिलावटी है। एक एक यज्ञ बचा के नाम यज्ञ है, ये गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा नाम यज्ञ सही ढंग से कर दिया जाए तो इससे ऊपर कुछ नहीं। शुक्राचार्य जीवी जब यज्ञ का रुकावट हुआ भृगु कच्छ क्षेत्र में नर्मदा किनारे, क्योंकि बामन जी महाराज आ गया, उसका बाद जो यज्ञ में रुकावट हुआ, जब यज्ञ उल्टा पलटा हो गया, हो नहीं पाया पूरा, तो शुक्राचार्य जी ने, है तो शुक्राचार्य जी जो भी असुरों का गुरु है, लेकिन इसका पास खूब पावर है, यहाँ तक कि बृहस्पति जी, हमारा बृहस्पति जी के पास भी ऐसा पावर नहीं है, मृत संजीवनी पावर, ये शुक्राचार्य जी का, अरे बाप मर्दा मुर्दा को बचा दे, अरे बाप रे बाप कितना पावर है। और शुक्राचार्य जी अंतिम में जब बलि महाराज का बंधन होके लेके जा रहा है सूतल में, तो यज्ञ तो खराब हो गया, अब क्या किया जाए, तो उस समय शुक्राचार्य जी महाराज भगवान के सामने कहे, जे यज्ञ का कोई भी डिफेक्ट्स हो, दोष हो जाए, मंततः छिद्रम तंततः छिद्रम देश काल समारहतः सर्वम निश्चिद्रम करोति तव नाम संकीर्तन। ये भगवत का सिद्धांत है, तोड़ा नहीं जाए, सबसे बड़ा संकीर्तन है नाम, नाम यज्ञ है। कोई जगह का उद्बोधन करना है तो नाम यज्ञ सबसे बड़ा है, अगर नाम यज्ञ छोके ऐसे ही हवन करने लग गया तो फल नहीं हो, क्योंकि सब डिफेक्टिव है। जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नम ब्रह्मणा हुतम, ये सारे जो ब्रह्म वस्तु है, लेकिन ख्याल हो तब ना, विचारी नहीं बनता, ऐसा सारे ब्रह्म वस्तु है, ये भावना किसका है, ऐसा करके विचार किया जाए तो कोई वस्तु शुद्ध नहीं बचा। फल किलने जाओ, फल खरीद, हमारा फल तो ठीक है, फल खरीदने जाओ, हमने देखा है एक मुस्लिम भैया खैना खैनी बना रहे, ठाक 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 ठाक, वो उसके बाद डाल दिया मुख में, हाँ महाराज कितना के जी दे, हो गया झूठन, अब तो झूठन खा रहे हो ना, जाओ टट्टी पेशाब करके बैठ गया शरबत देने के लिए, अब खा रहे हो, तरक्की कहाँ से हो, अपना शुद्धि विचार ना करे तो कहाँ तक हम चिल्लाते रहे कुत्ता का माफी। जब हरिकथा में एक दफे बहुत पहले, आज याद नहीं है, बहुत पहले एक दफे बोला था ये शुद्धि के बारे में कैसा, तो एक बेटिया रानी निसिंगपोली में अचानक, उस टाइम तीर्थ महाराज भी थे, हम महाराज ये डाब खा लो थोड़ा पी लो, हम बोले डाब तो हम नहीं खा, क्यों डाब में क्या दोष है, डाब में क्या दोष है तो तुम समझोगे नहीं,
अरे अरे बताओ तो सही, अमिताभ में क्या दोष है? पागल है, ढाबा में बाहर का खाते हैं, ढाब लाओ साबुत हम। मेरे क्यों नहीं महाराज, जो जो ढाब जो बिक्री करने वाला जो है, ढाब बिक्री करने का बाद वो जो ढाब पी जाता है कोई आदमी, उसका बाद अंदर में जो मलाई है वो झूठा ढाब को देता, महाराज काट दो हमको, काटने से उसका जो कटारी है वो भी झूठन हो गया, ये तुम्हारा दिमाग में घुसेगा नहीं। मोटा माथा है, ब्लॉक हेडेड, दिमाग में जाएगा नहीं। रोटी परोसने का भी तो कोई तरीका होता है, क्योंकि हम पात्र में स्पर्श करके रोटी, अरे तो झूठन हो गया, सारे झूठन है तो पागल, समझे नहीं। ऐसा होने से कैसे बचेगा, कैसे पूजा करोगे, कैसे क्या करोगे, कोई विचार नहीं। बोल हम लोग गुरु जी से देख के अरे बाप रे, हैरान वाला विचार है, अरे कैसा सुंदर शुद्ध विचार है। ये आजकल का आदमियों में ये विचार बनता ही नहीं। तो जो भी है, किसी भी योग्य अब नहीं बचा, योग्य में तो एक ही योग्य रह गया है कि नाम यज्ञ। तो मंत्रतः छिद्रम तंत्रतः छिद्यम देश काल समारतः सर्वम निश्चिद्धम करोति तब नाम संकीर्तन। भगवान यज्ञ का अगर छिद्ध होता है, मंत्रों गलती बोल दिया, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता, उद्गाता हैं और धुरी सब अगर गलती हो गया, तो तमाम यज्ञ का जो गलती है, यज्ञ का गलती हो गया तो उसका फल मिलेगा। कई 25-30 साल पहले, हमको याद नहीं, 35 साल पहले होगा, बहुत कम उम्र था मेरा, न्यूज़पेपर में आया था क्या, बोले ये राजस्थान में कोई धनी व्यक्ति एक बड़ा यज्ञ किया, आज यज्ञ का फल मिला क्या, नेतवंश हो गया। गलती, क्योंकि कौन करे, कौन करे, उतना पावर कहाँ है। एक तो हमारा भक्ति लाइन में जो है, जो भी बचा खुचा है, वो तो लगे रहता है ना भजन में ही, वो जोगो भोगो करने नहीं जाता। गुरु जी को देखा है जोगो करने, गुरु जी जोगो किए। फिर उसका बाद श्रौती महाराज झारगाम वाला, बहुत पावरफुल, हमारा भारती महाराज कहते थे ये बैखानस महाराज जी, ओह बाप रे बाप, भारती महाराज जी कहते थे बैखानस महाराज जी तो एक यज्ञ में बैठा तो बैठा, अरे बाप रे बाप, सब मुखस्थ है कहते हैं, अरे बाप रे बाप, इतना पावरफुल। और ये सब बड़े बड़े यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि तो सब छुप गया, और तमाम चीजों में मिलावटी है, करने जाओ तो उल्टा फल मिले। ऐसा करके देखा जाए तो ये जो यज्ञ है, यज्ञों का जो मीनिंग है, समय समय आदमी उल्टा उल्टा समझने लगे। बीच में ये भी समय भी आया था जो ब्रह्म चिंतन में लगे रहो, और उस समय बोलो ब्रह्म चिंतन श्रेष्ठ मुख्य पद ये जो है, ब्रह्म विद्या और ज्ञान मार्ग का प्रभाव वृद्धि होने लगे, और वैदिक जाग यज्ञादि गौणों ये मुख्य नहीं है, और ब्रह्म का चिंतन करना ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। ऐसा करके आरोप करना शुरू कर दिया, इसको नाम दिया गया अंतर जाग, बहिर्जाग आंख फांक दे के घी डाल के, ये अंतर जाग। और ये ज्ञान ही इस यज्ञ का सार है, अग्नि है। जो यज्ञ का बारे में बताया, ज्ञान ही है ये यज्ञ का अग्नि, अप्राण स्तोत्रो मन होता, सर्वस्व त्याग करना दक्षिणा। ऐसा करके बहुत सारे विचार, समय चलते रहे, आदमी का भावना भी बदलते रहे, लेकिन हमारा भागवत धर्मो जो नित्य धर्मो जैव धर्मो आत्म धर्मों का कोई मिलावटी है नहीं। अगर कोई मिलावटी करना चाहे तो छोड़ो, उसका बात तो छोड़ो,
हम श्रौत पंथा का बात कर रहे हैं। श्रौत पंथा में जो जो व्यक्ति उपस्थित है साधु महात्मा, इसमें कोई मिलावटी हो नहीं सकता, क्योंकि श्रौत पंथा में मिलावटी है तो श्रौत पंथा स्टैग्नेंट कंडीशन में आ जाए, वो चलेगा नहीं निश्चल। इसलिए हमारा बलदेव विद्याभूषण जी कई तत्व किताब लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर, निर्वकरा गुरु परंपरा। गुरु परंपरा में कभी भी कोई मिलावटी नहीं होनी चाहिए। बलदेव जी महाराज पूरा लिख दिया उधर, और ये जो है अगर गुरु परंपरा में मिलावटी है तो पूरा शिक्षा मिलावटी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने विचार करके भागवत परंपरा और गुरु परंपरा का समाधान किए, सुंदर, इतना सुंदर समाधान किए। सिद्धांत रत्नावली आदि ये सब किताब लिखे हमारा बलदेव विद्याभूषण जी। पोपा जी गुरु परंपरा अर्थात मंत्र परंपरा भागवत परंपरा को इतना सुंदर एडजस्टमेंट करके दिखाए कि गुरु परंपरा कभी भी मंत्र परंपरा कभी निश्चल हो सकता, लेकिन भागवत परंपरा चलते रहे। भगवत परंपरा मैंने जैसे परीक्षित महाराज पूरा भागवत सुनने का बाद संबंध विद्य प्रयोजन तत्व का उन्मेष, ऐसे तो महाभागवत है ही है लेकिन पोपा जी ने विचार करके दिखाया। क्या भागवत सुनने के बाद परीक्षित महाराज का दिखा का कुछ कमी रह गया क्या? आपका दिखा हुआ 30 साल हो गया, आपका दिखा हुआ क्या? दोनों में अंतर क्या है? हमारा 30 साल 40 साल जो भी हो दीक्षा लेने का बाद भी वास्तव दीक्षा हो नहीं पाए। वास्तव दीक्षा का मतलब क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तव दीक्षा का मतलब ही तो ये है कि संबंध विद्या प्रयोजन तत्व में प्रतिष्ठित हो जाना। तात्पर्य ये है कि संबंध का पुष्टि हो जाए, अविद्या शुरू हो जाए और बाकी तो अपना लक्ष्य वस्तु जो है वो तो है ही है। भागवत जी महाप्राण सुनने के बाद ठाकुर जी में इतना लगन लग गया कि परीक्षित महाराज कहने लगे, अरे कहां तखक है, बुला लाओ जल्दी। तक्षकम दसतु अलम, अभी मेरे को जितना अभी मेरे को जितना हो सके तखक काटे, परवाह नहीं है। अरे कैसे परवाह नहीं? बोला हम तो शरीर नहीं है ना, भागवत तत्व विज्ञान सुनने का बाद फिर भी उल्लू रह जाए तो ये इसमें क्या भागवत कथा सुना, क्या हरिकथा सुना, ये भी कोई हरिकथा हुआ क्या? कोई चोर चिट्टा से सुना होगा, लुटेरा से, और नहीं तो तुम लुटेरा हो, बदमाश हो, लगन नहीं लगाए, दोनों में एक ही होगा। सत्संग कभी बेकार नहीं जाने वाला, सत्संग कभी भी बेकार नहीं जाने वाला। तो ये जो है, ये जो विचार है सुंदर करके भागवत धर्म भक्ति मार्ग का प्रचार टाइम टू टाइम समय समय हो पाया हर वक्त, तो कोई भी अच्छा कर्म करने जाओ तो उसमें रुकावट ही रुकावट है, श्रेयांश विघ्नानी। और भागवत धर्मो भक्ति मार्ग प्रचार में सारे तमाम शास्त्रों का विचार है, ये नाम योग्यो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताए सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी डिफेक्ट्स है किसी जगह में, नाम संकीर्तन का इतना पावर है कि एक उसको मेकअप कर दे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने शिवा संगन में संकीर्तन यज्ञाग्नि का प्रज्वलन किए, काल चर्चा हो पाएगा काल। और हम गौड़ीय होते के होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है,
जैसे विश्व यज्ञ चल रहा है उसमें मेरा योगदान होनी चाहिए। तो जब यज्ञ संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है और गीता में भी भगवान बताए जो यज्ञ में मैं जब यज्ञ हूं अपना विभूति के बारे में यज्ञ के बीच में यज्ञों का विचार किया जाए तो यज्ञों में जितना यज्ञ उसमें मैं जब यज्ञ हूं विभूति में आया। और गीता का ये जो श्लोक है इसमें आगे चल के हम देखेंगे कितना सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर कितना ऊंचा व्यक्ति जो हमने बोल दिया पहले थोड़ा बहुत इशारा किया तमाम यज्ञ होते रहे वो तो चले गए वस्तु यज्ञों में वस्तु इन्वॉल्व है समझा मेरा बात। कोई भी यज्ञ करने जाओ नहीं यज्ञ कोई भी यज्ञ आप करने जाओ ये यज्ञों में जो है यज्ञों में जरूर आपको कोई वस्तु इन्वॉल्व है वस्तु चाहे सूक्ष्म रूप में स्थूल रूप में कोई वस्तु तो होनी चाहिए यज्ञ और वो यज्ञ वो वस्तु मिलावटी है हमने बताया। और कोई भी ऐसे करने जाओ शरीर का अस्वस्थता है इनएबिलिटीज फिर उसका बाद मंत्रों में गलती हो गया और हवन में कुछ गलती कर दिया बहुत कुछ हो सकता है इसमें कोई रोक नहीं सकता होगा ही होगा कोई रोक नहीं सकता क्योंकि ये कलिकल है सारे मिलावटी है आदमी का अंतकरण भी मिलावटी हो गया एक भी मिलता नहीं जिसका मिलावटी नहीं पक्का एकदम दिल का पक्का। तो ये जो है यज्ञों का बीच में जो है जितना यज्ञों का बातें हो रहा है इसमें मैं जब यज्ञ हूं भगवान बताया। और अगले दो एक श्लोक का बात ही आए हमारा देखोगे जो तमाम यज्ञों जो है जो वस्तु इन्वॉल्व है यज्ञों में तो वस्तु इन्वॉल्व जरूर यज्ञों का वस्तु तो चाहिए तो ये जो वस्तु इन्वॉल्व है श्रेयान दिव्य मयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञम परंतपहा या ये पक्का बात है जरा सा भी दिमाग है विचार करके देखो भगवान जी ने यह बताया सही बताया एकदम श्रेयान दुर्भमय यज्ञात ज्ञान युग देखो तुम दुर्भमय युगो करोगे दुर्भमय युग होता ना भंडारा किया कुछ किया सब दुर्भमय युगो किया। हमारा भक्ति युगो में जो महापुरुष लोग जो महाप्रसाद देते ये कोई गलती नहीं है इसमें आम आदमी करने जाए जिसका पास पावर नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन आया फॉरेन से बहुत प्रसाद क्या है कैसे है किसमें की गलती है इसका बारे में बहुत चर्चा हुआ हो पाया हम कुछ भी तरीका से एकदम लाया कर ए प्रसाद है ले लो अरे पागल ये प्रसाद है हैं ये प्रसाद है तू बाहर का हलवाई से बुला के तुमने कराया और बाहर का बर्तन है जिसे प्याज रसून सब तो प्रसाद हो गया छागल पागल है ये भंडारा का क्या मतलब है हैं लूटने का भंडारा है क्या बंद करो ये सब बकवास कुछ फायदा नहीं है सब। परम विजय भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज का समय में गुरुजी एक हमने सुना है बहुत सुंदर बात भले ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा है गुरुजी भी उपस्थित है एक साथ ही रहते थे और इसमें बहुत सुंदर परिक्रमा चल रहा है हरि कथा कीर्तन इतना सुंदर महापुरुष का सन्निध्य में ये तो होना ही है। और एकादशी आज है समझो कि आज एकादशी है बहु हरि कथा कीर्तन परिक्रमा हो पाया और सुबह में बहुत जल्दी निकलना है नहीं तो धूप आ जाए और ऐसा जगह जाना है कि बहुत सुबह में नहीं निकलने से गलती हो सकता मुश्किल हो सकता। और वो जगह जाते जाते एक जगह आया और माधव गोस्वामी महाराज बोलने लगे कोई अगर तुम में है तुम में से कोई है ब्रह्मचारी सन्यासी जो ये सब
बेचारे भक्त लोगों को थोड़ा एक रसा डाल अन्न खिला दो प्रसाद बना के, ऐसा कोई है? इतना पावर है महापुरुषों में, जल्दी जल्दी सब चिल्लाया हम है महाराज हम करें। कोई लकड़ी लाने चला गया, कोई पत्थर लेने सेट करके चूल्हा बनाया और शुरू कर दिया रसोई। कितना पावर है महापुरुषों में, और तमाम धक्का धाक रसोई हो गया और पानी लाया एक अच्छा जगह पे और भोजन करके, फिर भोजन पानी करके फिर आगे चलो। कोई भी अगर भंडारा का बात कहते थे, हमने सुना है गुरु जी से, तो परम या माधव गोसी महाराज कहते थे कि हाँ भंडारा तो जरूर, लेकिन आप सारा सामान लाओगे लाके धर दो, मेरा ब्रह्मचारी है वो सब रसोई करेगा, आप प्रसाद पाने आना। कोई हलवाई को बुला के कचूड़ी बना दिया और साधु जो खा के चकाचक हो गया, पूरा हो गया भजन एकदम, क्या किया जाए? स्थिति बदल गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गलती हो रहा है, कहां लीकेज है हमारा भजन में, कहां लीकेज है। हम अगर डिटेक्ट नहीं कर सके तो कैसे उसको, कृपा तो आते रहेगा और निकलते रहेगा, तो कहां से निकल जा रहा है भजन का जो पावर है, कहां कहां से निकल जा रहा है, कुछ नहीं बचता है, एम्प्टी, कैसे? ये भी तो सोचना चाहिए ना। तो जो भी है ये जो यज्ञ जो है, ये यज्ञ में भगवान बताए कि जब यज्ञ मैं हूं। अगले श्लोक में आकर भगवान जी, भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम, अर्पणम मतलब श्रुवादी यज्ञ पात्र, अर्पणम ब्रह्म, हवि जो है ये घृत है, घी है, ये हवि, ये भी ब्रह्म वस्तु है। ब्रह्म, ब्रह्माग्नि जो अग्नि जल रहा है, ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी अग्नि, ब्रह्म रूपी अग्नि में। और ब्रह्मणा, ब्रह्मणा मैंने तृतीया, तृतीया विभक्ति, किसके द्वारा? ब्रह्मणा, ब्रह्म रूप होता के द्वारा, हूतम होम हो रहा है, जग चल रहा है, हूतम होम चल रहा है। ऐसा अगर कोई देखे तो हर वस्तु में ब्रह्म का अनुभूति हो तो कहना ही क्या, हर वस्तुओं में ब्रह्म अनुभव करे। तो तेनो ब्रह्म कर्म समाधिना, ये ब्रह्म रूप कर्मों को समाधान करके समाहित तो चित्त होकर, समाहित चित्त होकर ये ब्रह्म रूप कर्म करने के बाद ब्रह्म एव गंतव्यम, इसका लक्ष्य क्या है? इतना परफेक्शन लगा के किया तो उसका नतीजा क्या है? ब्रह्म एव गंतव्यम मिलेगा क्या? ब्रह्म मिलेगा ना लब्ध। ये जो विचार है इतना सुंदर, जे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधान करके कहाँ जाना है इसको? ब्रह्म तो इतना परफेक्शन लगा कि जो कर्म में, कर्म का अंग सकल में, सारे अंग में कर्म का ब्रह्म देखे, वस्तुओं में ब्रह्म देखे, हैं वो क्या मिले उसको? ब्रह्मत्व भक्त करे, ब्रह्म भी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा शास्त्र में। ज्ञानी का कर्म और ब्रह्म, ज्ञानी ज्ञानी का कर्म और ब्रह्म कर्म, जो यज्ञ करने बैठा
सर्वाधिक किछु कुछ भी देख नहीं पाते, सब ब्रह्म वस्तु, सर्वत्र ही ब्रह्म दर्शन। ब्रह्म मतलब कोई अगर विचार करे निर्विशेष ब्रह्म, हाँ किसी का अगर ऐसा विचार है निर्विशेष ब्रह्म प्राप्त, किंतु सविशेष ब्रह्म विचार करे तो सविशेष ब्रह्म है। तो दोनों नित्य ही है, निर्विशेष ब्रह्म भी अनादिकाल से है और सविशेष ब्रह्म तो है ही है, इसमें नुकसान क्या है, जिसका जो भाव है। लेकिन जो वास्तव भक्त है उसका विचार निर्विशेष ब्रह्म में ठहरता नहीं, बिल्कुल सविशेष ब्रह्म हो सकता। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, और ये अगर भावना ब्रह्म में एकाग्र चित्त में जोगी पुरुष ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। और कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर कुछ करे, ये तो योग्य है, ये तो एक तो सुंदर बताया, लेकिन और एक बात जो ज्ञान योग्य कर रहा है, वस्तुतः ज्ञानी का कोई भी कर्म है, ज्ञानी मतलब है उसको पता है ये भगवत उद्देश्य में अर्पित किया, हम कुछ नहीं है, हम करने वाला नहीं है, हम कौन होते हैं करने वाला, ऐसा विचार, तो ये कुछ भी करते हैं लोक संग्रह के लिए, इसका कोई भी कर्म यज्ञ में बदल जाता है, ये तो पहले ही बताया। ज्ञानी का, ज्ञानी व्यक्ति का कुछ भी कर्म एक यज्ञ रूप में कल्पना किया जाता है, इसमें ज्ञानाग्नि और सर्वकर्माखिलम पार्थो ज्ञाने समापते परिसमापते सॉरी श्रेयानो दिव्य मया जज्ञात ज्ञान युग परंतप। जब भगवान खुद बताए तमाम कुछ करो, क्यों किया, उसका नतीजा क्या है। आदमी जो हमारा इधर एडुकेशनल प्रोसेस कुछ भी हम कुछ भी करे तो करने के बाद वो एक्सपीरियंस होके रह जाता है, ये भी एक तरह का ज्ञान है, मेटेरियल ज्ञान। कुछ भी करो, चाहे खेल कर, कुछ भी करो वो अल्टीमेटली एक्शन तो खत्म हो जाए, ले इसका जो भाव है वो रह जाता है मन में। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो है, जिसको पता है मैं करने वाला नहीं हूं कुछ भी, तो ये जो तमाम आदमी जो करते हैं उसका तो फाइनली ज्ञान में ही एंड हो जाता है ना, ये एक्सपीरियंस ज्ञान। सो श्रेयानो दुप्र मैं जुज्ञात ज्ञान युग पर, ज्ञान युग सबसे ऊपर है। पार्थो हे अर्जुन, ज्ञान युग सबसे ऊपर है, क्योंकि कुछ भी करो सर्वो कर्माखिलम पार्थो ज्ञान किसमें रह जाता है, ज्ञान बन के रह जाता है। और अगर विशुद्ध ज्ञान के बारे में बताए तो कहने ही क्या है, तो ठीक ही है कुछ भी। और ज्ञान का परिपक्व अवस्था जो है, जब ज्ञान पाकते पाकते पक्का होते होते एकदम पहुंच गया कहाँ, ज्ञान परिपक्व दशा को प्राप्त करते करते ऐसा दशा में चले जाए, तो उसमें ज्ञान और भक्ति में कोई पार्थक्य नहीं है, समझा मेरा। ज्ञान जहां तक कच्चा रहे तब तक उल्टा, ज्ञान जब पक्का रह जाए तो वो भक्ति का ही नामांतर है। सर्वोकर्माखिलम पार्थो ज्ञाने परिसमापते, ऐसा करके मायावादी का जो विकार है विचार है सर्वम खरीदम ब्रह्म, ऐ तो ये तो ठीक ही है, सर्वम खरीदम ब्रह्म ये तो ठीक ही है, ब्रह्म छोड़ के क्या है तो ठीक ही। लेकिन जीवों का अंदर में अहम बुद्धि जब तक ना जाए तब तक ये बात बोलना असफलन है। आप ये जो बात कह रहे हैं को सर्वम खरीदम ब्रह्म, आप खुद समझा क्या है, खुद समझा सर्वम खरीदम ब्रह्म, आपने खुद समझा नहीं, कह रहे हैं मायावादी विचार सर्वम खरीदम ब्रह्म।
जीवों का अंदर में जब तक अहम बुद्धि करता अहम इति मन्नते, ऐसा जो विचार है, जब तक ये विचार से छुटकारा ना मिले तब तक तो कोई रास्ता नहीं। जब अहम बुद्धि बिल्कुल चले जाए तो यही तो बुद्धि आए ना, जगत में अपने को देखेगा, अपना शरीर को दूसरे को देखेगा, उसमें भेदभाव चले जाए, भेदबुद्धि चले जाए ना, ज्ञाता ज्ञेय उपास्य उपासक कर्ता कर्मो करण सब भेदबुद्धि मिटमाट हो जाए, सर्वत्र एक तत्व स्फुरन हो जाए, भगवान आप ही तो है और कुछ तो नहीं है। ज्ञानी बोस तो देखता है कुछ नहीं है, सारे जगत इनो भगवान ही भगवान, अद्वैत ज्ञान तत्व सर्वत्र एक तत्व। ऐसा करके विचार करके करते करते आगे बढ़ना चाहिए। और गीता में और सारे बात है जो सब में समान दर्शन, समान दर्शन का बात ये है, कोई आदमी अगर सोचे कि सब तो समान ही है तो बैठ जाओ एक ही बात भांगी का साथ खाने में, भांगी को घृणा नहीं करना चाहिए, वो उसमें पूज्य है, उसमें पूजा करने चाहो, वो भी तो सेवा करता है, अंतरात्मा में भगवान बैठा हुआ है, अंतर में तो भगवान बैठा हुआ है, तो घृणा का इधर बात नहीं, बात है संस्कार का, उसका जो संस्कार है वो संस्कार अलग है। और हर आदमी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का स्थिति में नहीं है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भांगी का घर में गया सूरज कुंड में, वहां जहां हम पहले था सूरज कुंड में, भांगी का घर में जाके एक दिन बोल रहा है रोटी निकाल, रोटी दे रुक्सी, और भांगी का मैया जो उधर है तो बोले नहीं ना बाबा रोटी वोटी नहीं है, जाओ 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 रोटी नहीं है, रोटी खत्म, क्योंकि वो जाने रोटी अगर दे दे साधु को समाज में हंगामा मच जाएगा, सब लड़ाई में आड़ जाए, क्यों दिया बाबा को, तुम्हारा क्या हिम्मत है तोड़ रहे हो न्यू, इसलिए वो पहले से सावधान हो गया, नहीं नहीं बाबा रोटी बूटी नहीं है, रोटी नहीं, हम सूरज कुंड में रहते थे उस समय एक आदमी आता था मेरा साथ अक्सर, प्रायः वो आते थे, ये है उदय सिंह बोल के, वो आए तो नीचा खानदान का लेकिन स्वभाव का बहुत अच्छा, और रोते थे महाराज, महाराज भक्ति में तो सब हम तुम्हारा समाज का ऐसा स्थिति है, वो बोलने से समझता नहीं, जब हम गोवर्धन में आए वहाँ भी वो ढूंढते ढूंढते आ गए, वो बाबा कहाँ रहता है इतना प्यार है, और ठाकुर जी का थोड़ा बेस वगैरह सिलाई करते थे, बहुत अच्छा स्वभाव का, पत्नी ने लेके आए मेरा साथ भेंट करने गोवर्धन में जब हम आ गए थे। ऐसा करके देखे तो सब चीजों में समान दृष्टि तो है ही है, क्या प्रभुपाद जी का या भक्ति प्रमोदपुरी महाराज जी का कि समान दृष्टि नहीं है, क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब तो ये नहीं कि संस्कार नीचा वाला जो है उसका साथ एक ही साथ बैठ जाए, ये तो विचार नहीं बना, दर्शन में ऊंचा है लेकिन ये अगर ऐसा कर दे तो समाज संसार में जो जो सिस्टम है अव्यवस्था फैलेगा, कोई किसी को नहीं मानेगा, वर्णाश्रम धर्म का जो व्यवस्था है सब कुछ भगवान किया है समाज को व्यवस्थापित करने के लिए, ये तोड़ मोड़ हो जाएगा। ऐसा करके देखा गया जो सारे ब्रह्म वस्तु तो है ही है लेकिन ये अनुभव में उतारना चाहिए, नहीं अनुभव में नहीं है तो लेक्चर कर दिया तो इसमें फल नहीं मिलेगा। बाद में 25 नंबर यहां भगवान कह रहे हैं दैवम मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम
यज्ञेन नैव उपजहति, मतलब अपरे योगिनः, दूसरा कोई योगी का देखो उसका क्या ख्याल है, क्या कर रहा है। मैंने अपरे योगिनः दैवम एव यज्ञ, दैव यज्ञ पर जुपासते अनुष्ठान करते रहते, दैव यज्ञ और दूसरा कोई है उनमें से कोई दूसरा है वो ब्रह्माग्नौ ब्रह्माग्नि थे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञेन एव यज्ञ द्वारा यज्ञम उपजहति, यज्ञ जजन करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है दूसरा कोई कोई योगी दैव यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं और बाकी कोई कोई देखा जाता है अपरे कभी ब्रह्म रूप अग्नि में पूर्वोक्त जैसे पहले किया था, पहले विचार किया ना ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होतम जो बताया, ये ब्रह्म रूप अग्नि में सारे समर्पण करता है, हवन करता है यज्ञ द्वारा अपना कर्म समाधान करते रहते। सो दैवम मेवा अपरे, दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः परजुभासते, दैव जो करते करते रहते कोई 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 कोई, ये जो पहले माफिक बताया था पूर्वोक्त ब्रह्मार्पण रूप यज्ञ इस करते रहते। यज्ञम यज्ञ नैव उपजहति, उपजहति में ना हवन करते रहते। वास्तविक पक्ष में इसमें जो यज्ञ ये शब्द व्यवहार किया लाक्षणिक अर्थो अलग अलग भजन भजन का रास्ते में भजन प्रणाली में व्यवहार किया। दैव यज्ञ, दैव यज्ञ का मतलब है तमाम इंद्र वरुण आदि जो देवता इन लोगों का उद्देश्य में योग, वरुण यज्ञ और ब्रह्मार्पण यज्ञ ज्ञान यज्ञ ब्रह्माग्नि से आत्मा का आहुति, ऐसे चलते हैं। बहुत सारे सुंदर विचार है भगवान बताएं कि देखो एक एक आदमी का एक एक विचार है कैसे कैसे क्या कर रहा है, आम आदमी को समझ में नहीं आए। 26 नंबर में बताएं कि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहति, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहति और शब्दादीनो विषयानि अन्य विषयान अन्न शब्दादीन विषयान अन्न इंद्रियाग्निषु जुहति। ये जो है बात अन्य अन्य माने कोई कोई आदमी ऐसा भी देखा जाता है श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अतः चक्षु कर्ण आदि इंद्रियोगण इनको संयम अग्निशु, अच्छा संयम संयम रूप अग्नि, देखो यज्ञ का कितना एक्सटेंडेड वर्ड एक्सटेंडेड भाव बड़ा बृहद अर्थ। ऐसा भी तो होता है ना जब ब्रह्मचारी वास्तव ब्रह्मचारी है वो समाम इंद्रियो श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि चक्षु कर्ण नासिका को संयम अग्निशु ज्वति, संयम अग्नि संयम अग्नि वो संयम करता है। ये भी एक किस्म का आहुति है, संयम अग्नि में आहुति दे दिया जैसे कोई यू नो आहुति होने पर आंख तो बुझ जाते फाइनल। अन्य इंद्रियाग्निषु शब्दादीन विषयानो जुहति, दूसरा कोई कोई है ये जितना सारे तमाम इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला चीज आता है जैसे मीठा आवाज है शब्द गाना चल रहे हिंदी गाना तमाम कुछ भी चीज आए
एक तो ऐसे कर दिया जैसे सूत्रादीनी इंद्रियाणी संयम अग्निशु ज्वति है, और दूसरा कोई कोई है जो इंद्रियाग्निशु इंद्रियाग्नि रूप अग्नि इंद्रिय इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रिय रूप अग्नि में शब्दादीन विषय नो शब्दादि विशेषमो शब्द स्पर्श स्वरूप जो कुछ भी है जो इंद्रिय के द्वारा जो भोगने वाला जो चीज है शब्दादीन माने शब्दादीन विषयानो शब्दादि शब्द स्पर्श रूप जो भी विषय है इंद्रियों से भोगने वाली चीज है वो इंद्रियों में ज्योति आहुति दे देते हैं। अर्थात अन्य तात्पर्य है अन्य संयम रूप अग्नि में चक्षु कर्ण आदि इंद्रियों समूह के होम कर देता है, अर्थात इंद्रियों को रूप रस आदि विषय से प्रत्याहार करके संयम संजितेंद्रिय होकर अवस्थान करते हैं। बड़ा तगड़ा है ये भी, बहुत पावर चाहिए। देखो बड़े बड़े साधु महात्मा उसको हमारा गौड़ी जो वैष्णव है उसको गोस्वामी बोला जाता क्योंकि उसका संयम है, सारे तमाम मन इंद्रियों अपना वशीभूत है, अपना वशीभूत है। किसलिए बोले चमत्कार विषय है, हर्वदा सर्वदा वो भगवान का चिंतन में लगे हुए, तमाम इंद्रियों को सवयी मनो कृष्ण पदार विंद यो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने है न करो तत् मंदिर अर्जुनादिशु है सुतम तत् अच्युत सत कथा कथोदय, ऐसा करके तमाम इंद्रियों को हमारा अम्बरीश महाराज जी सारे लगा दिया। जैसे कि क्योंकि ये कुत्ता जैसा है इंद्रिय, इंद्रिय सुनने वाला नहीं है, इसको ऐसे दबा के रखने जाओ जोर जबरदस्ती आप हैरान हो जाओ। सबसे अच्छा ये है इसका जो चाहत है इसको थोड़ा मोड़ दो। हमारा गौड़ीय वैष्णव संघ ये है इंद्रिय तो बहुत तगड़ा है, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्यांशमोपी कर सती लिखा हुआ, लेकिन अगर इसको अच्छा तरीके से मोड़ दिया जाए, इसका रूट को मोड़ दिया जाए, रूप देखना है तो ठाकुर जी का देख, राधा गोविंद जी का। अगर जुआ का लालसा है तो अच्छा प्रसाद पाले जगन्नाथ जी का, ऐसा करके मोड़ दिया जाए, क्योंकि किसी भी हालत से इंद्रियों संयम होने वाला नहीं। तो ये जो ऐसा खतरनाक है, खतरनाक, तो कोई कोई आदमी इंद्रियों सब सारे इंद्रियों के रूप रस आदि विषय से प्रत्याहार करके संजितेंद्रियों होकर अवस्थान करते रहते हैं, ये भी एक किस्म का योग्य है। संयम अग्निशु संयम अग्निशु जुहति, ये संयम योग्य ब्रह्मचारी लोग होते ही करना चाहिए ना, कोई माने ना माने, हाँ तो सिखा देने वाला तो कोई है नहीं, अरे चल मठ में रह जा और कुछ नहीं, ओ कुछ कर लो बस, क्या देखना है शासन नहीं है। वो सोचते हैं कि शासन करने का मतलब है महाराज जी का अंदर हिंसा है, छागल, बिना शासन गुरु नहीं होते, ये गुरु नहीं माना जाएगा। जो शासन नहीं करते हैं, शिष्यों का ये शब्दों का आया है ना, ये ग्रामर से संस्कृत ग्रामर से शिष्य शास धातु से शिष्य शास शास धातु न, जो शासन मानने वाला जो है गुरु जी का पूरा तुरा के पूरा सदगुरु का, ये है शिष्य है। शिष्य नाम का मर्यादा ही नहीं, मर्यादा कहाँ है, कौन मान रहा है। शासन अगर माने शास धातु थे शिष्य आत्मन उस शब्द आया, तो कोई शासन ना माने तो उसको शिष्य कैसे माना जाए। और नीति शास्त्र में भी ऐसा है, और तुलसीदास जी भी ऐसा कहां नहीं है, हर जगह ऐसा है। सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश, क्या है इसमें, शासन ही तो है भेद बतावे है ऐसा नहीं करना, उधर नहीं जाना, क्या कर रहे हो, ये भक्ति है,
ये शासन अगर नहीं है तो गुरु गुरु ही नहीं, गुरु तो खत्म कर देगा हमारा जिंदगी। शासन मानने के लिए ही तो आया है, हमारा बुरा संस्कार है, घटिया संस्कार है, संस्कार को बदलने के लिए तो शासन तो चोरू चाहिए। हम रख देंगे क्या मठ में आके पुराना संस्कार, जैसे घर में था पिता का पास कितना पिटाई किया लड़की बाजी के लिए, वही रहेगा क्या? ये कोई बात हुआ है संन्यास लेने के बाद यही करते चलो? अरे अरे सेवा तो करता है तो चार सेवा करता है, ये सेवा है। सेवा का स्वरूप क्या है? कर्मी है फालतू सब। विचार बदल गया सारे उल्टा। लालयत पंचवर्षानी, लालयत पंचवर्षानी दसो वर्षानी तारयत प्राप्ते तु सरसो वर्षे पुत्रम मित्रोवत आचरित, लिखा हुआ है शास्त्र में, नीति शास्त्र में। पांच बरस तक बच्चा को ल्यार ल्यार पार करो, लार प्यार करते रहो जितना जी चाहे, वो भी करना खतरनाक है, उसे फंस जाओगे, फिर भी करना है तो करो, क्या किया जाए। लालयत पंचवर्षानी पांच वर्ष साल, और पांच साल क्रॉस हो गया तो एकदम दस वर्ष तक एकदम एकदम डांटते रहो, हे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, जैसे हम लोगों के साथ हुआ, पिताजी मारते थे पीटते थे, अरे बाप रे बाप, कहां जा रहे खेलने, नहीं बैठ बाद में जाना, अभी पढ़। अरे बाप बाप कितना शासन है, अब शासन नहीं है। अरे शासन ही तो अच्छा, मठ मंदिर किस लिए हुआ है? मठ मंदिर किस लिए है? एक एक प्रभुपाद जी क्या बताया, मठ मंदिर अगर गेस्ट हाउस बन जाए, ऐसा ये होटल बन जाए, मालपुआ रसा सब बनते रहे, हम खाते रहे एक साथ ज्वाइंटली आते रहेगा, किसका तरक्की? एक ही गुरु सेवा होगा कि किसका तरक्की होगा, समझता ही नहीं आदमी, मुश्किल बात है। सब भ्रष्टाचार होने का चक्कर में, अरे आचार छोड़ दिया तो क्या रह गया, कुछ बचेगा? पावर थके रहेगा क्या? पांच साल तक खूब लाड़ प्यार करो, दस वर्षानी जब दस वर्ष हो गया, दस वर्ष है ना, दस वर्ष से पांच से दस पूरा एकदम शासन करो, क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, क्यों कर रहा है, शासन मानो। अगर पिता माता सही है, जैसे किसी कुछ ने अपना लिखा है बोला है, अरे आजकल का पिता माता का भी ट्रेनिंग चाहिए, उसका बाद पिता माता बनो, ना जो छागल छागल कुकुर पैदा करोगी। किसी कुछ में बोला पिता माता का भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सही बताया, कोई मानेगा नहीं, नहीं सही बताया, पिता माता की ट्रेनिंग होनी चाहिए, या कैसे बच्चा को क्या, नहीं तो पूरा फ्यूचर जनरेशन पूरा एकदम कुत्ता बिल्ली से भरपूर समाज, होश नहीं है किसी का। और लिखा हुआ है कि प्राप्ति तो सोलह सौ वर्ष से, जब 16 साल हो गया, अब शासन को ऐसे करो तो उल्टा करने जाओ तो इसमें सेंटिमेंट आ जाए। हम लोग तो बहुत बड़ा उम्र तक पिटाई किए पिताजी, कोई कारण नहीं है, खेलने गया, अब तो बच्चा खेलेगा नहीं तो क्या करे, क्यों गया, अरे मारो दोपहर का टाइम में, अरे है बहुत बड़ा उम्र तक पिटाई किए हैं। और ऐसा है कि इसमें लिखा कि 16 प्राप्ते तो 1600 वर्ष से 16 साल का उम्र हो गया तो पुत्र का साथ और बेटिया रानी का साथ सावधान से बात करो, क्योंकि अभी उसका सेंटिमेंट आया है, वो उल्टा करने जाओ तो गड़बड़ी हो सकता है। सेंटिमेंट ऐसा चीज है, कुछ भी हो जाए, भवत अग्नि तो चल ही रहा है, महाप्रभु जी ने कहा, अरे हर हर जगह तो आग अग्नि तो चल ही रहा है, भवत अग्नि उसका निर्वापन कैसे हो जाए, अरे कैसे हो जाए, यही तो सोच रहे हैं ना गीता पाठ करके, कैसे ये दवाग्नि जो निर्वापन हो जाए।
तो ये सही बताया ठाकुर जी ने अर्जुन को, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु ज्वति, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम संयम अग्निषु ज्वति, शब्दादीन विषयानि अन्न इंद्रियाग्निषु ज्वति। ये 26 नंबर का ये बात नतीजा निकाला, संयम ब्रह्मचर्य। और दूसरे जो है इंद्रिय रूप अग्नि में, इंद्रिय रूप जो अग्नि है इसमें शब्दादि विषय समूह को आहुति दे रहे, अर्थात इंद्रिय समूह शब्दादि विषय ग्रहण करते रहते हैं, किंतु खुद जो स्वयं है राग देश शून्य चित्र में अनासक्त रूप में रह जाते। समझा मेरा बात, कितना ऊंचा विचार है। इंद्रिय समूह जैसे हमारा युक्त वैराग्य का विषय है, बड़ा ऊंचा विचार है युक्त वैराग्य, ये तो सामान्य चीज नहीं है। वैराग्य इजी है और भोगना इजी है, बीच में जो एक खड़ा कर दिया, ये जो इतना फाइन विचार है युक्त वैराग्य, अरे बाप रे बाप कितना फाइन विचार है, यहां तक पहुंचना मुश्किल। चाहे इधर आ जाए क्या उधर आए, तो भोग हो गया नहीं त्याग हो गया। तो कई ऐसे ऐसे भी हैं इंद्रिय रूप अग्नि में शब्दादीनि विषयानि, सारे शब्द आदि जो इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला, जितने रेस्पेक्टिव इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो चीज है एंजॉय लेने वाला, सो ये तो करते रहते। ठीक है चलो, इंद्रिय समूह शब्द आदि विषय ग्रहण करते रहते, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कौन है। इंद्रियाणी मन सब तो ये प्रकृति का है, प्रकृति किया माना नहीं करने दो, हम निर्लिप्त है, हम तो आत्मा है। वो जो है इंद्रियो समूह में इतना सारे विषय है, इंद्रिय का विषय जो है रेस्पेक्टिव, जैसे त्वचा का स्पर्श है, आंखें का दर्शन है, जिह्वा का रसस्पर्श, ये सब है, कानों का सुनना, नाक से सूंघना कुछ अच्छा चीज गंध, ऐसे अगर करने दे फिर भी ये निर्लिप्त होके रहता है, निर्लिप्त होके रहता है। जैसे अजगर तपस्वी का बात आता है ना, अजगर तपस्वी को प्रहलाद महाराज जी ने प्रश्न किया, महाराज ये कैसे अब रहते हो, इतना सुंदर बलिष्ठ शरीर है और अब पड़े रहते हो, कभी कुछ मांगते भी नहीं हो, और कुछ कोई अच्छा चीज दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं किया। अजगर तपस्वी का ये विचार बड़ा सुंदर, प्रहलाद महाराज जी प्रश्न करते रहे, आप कैसे ऐसे करते हो, उसका विचार बताया। राग देश शून्य चित्र में अनासक्त रूप में रह जाना, अरे हमारा इंद्रिय हमें इंद्रिय का काम कर रहा है, तो हम क्या है, हम तो करने वाला नहीं है। ये बड़ा कठिन है अनासक्त रूप में रह जाना। तो समझक संयम योग के बारे में बताया, इंद्रिय योग के बारे में भी थोड़ा चर्चा किया, ऐसे ही संयम युग क्या है, इंद्रिय युग क्या है, और इंद्रिय कर्म क्या है, मेरे तो जानती हो चक्षु करना दी पंच, अपना कर्म क्या है, दर्शन श्रवण बाक पानी पाक पंचकर्म दी, इसका अपना अपना काम तो चुना हुआ है ठाकुर जी रखा है। और प्राण कर्म क्या है, प्राण कर्म जो है ये क्या है, ये प्राण कर्म है प्राण अपान बान उदान समान, ये मनुष्य के शरीर में चलते रहते हैं, हमको पता नहीं ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं,
हमारा अनजाने में हमारा जो हार्ट बीट चल रहा है हमारा क्या हमको क्या उसको गाइड कर रहा हूं क्या? हमारा जो हार्ट बीट चल रहा है खून चला चारों बिना मतलब हम जाने ही नहीं कैसे क्या चल रहा है, इसका कोई ख्याल रखते हो आप? हार्ट को चलाओ अभी बंद हो गया चलाओ ऐसे कैसे? वो ऑटोमेटिक चल रहा है, सांस चल रहा है, क्या इसका लिए आपका परिश्रम है क्या? आंखों का जो पर्दा है हिलते रहता है ठाक 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 ऐसे करते, तो इसका बारे में काल खुला 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 सही ढंग से चर्चा करने का कोशिश करेंगे। आज तो समय नहीं परमिट, उसका बाद भी कथा है ठाकुर जी का कृपा से यहाँ तक आज रहे। सौमिग्रह श्रेयसाम हेतु पंथ संताप वर्जित अनवाप्त समम पूर्वे जेनो संत प्रतस्थिरे वांछ कल्पतर्वस्य के पास पतितानं पावन भविष्णभ्यो नमः।